अजय देवगन की बेटी नायशा देवगन का यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जैसी ड्रेस अजय देवगन की बेटी द्वारा पहनी गई है, उसको लेकर इन्हें दबाकर ट्रोल भी किया जा रहा है। मात्र 19 साल की नायशा देवगन का यह बेहुदा पहनावा देख आम जनता फिर एक बार पूरे के पूरे बॉलीवुड को ही बाल्टियां भर भर कर गालियां दे रही है। ऐसा नहीं है कि काजोल और अजय देवगन की बेटी का यह कोई पहला वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, बल्कि ठीक कुछ ही दिनों पहले और एक पार्टी में मैडम नायशा देवगन पूरे तरीके से टल्ली होकर घर भागती नजर आई थी। मतलब आसान भाषा में अगर आप सभी लोगों को बताया जाए तो ये जितने भी स्टार किड्स है ना, इन सभी की हालत बहुत दयनीय चल रही है। आते तो ये लोग ठीक ठाक ही हैं सभी पार्टीज में, परंतु घर लौटते समय सभी का फ्यूज उड़ जाता है। कोई मुंह ढाक कर दारू पी रहा होता है, किसी की कैमरा को देखकर पतलून गीली हो जाती है, तो किसी का बाप हाथ पकड़कर घर ले जा रहा होता है। लेकिन सुधरते तो ये तब भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स लेने के चक्कर में 30 दिनों तक जेल काट कर आया था। सभी ने यही उम्मीद करी थी कि बाप की इतनी फजीहत करवा कर कम से कम अब तो इसका लौंडा सुधर ही जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जेल से घर आते ही कुछ 10-12 दिनों बाद छोटे उस्ताद का और एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें जनाब किसी क्लब के अंदर चोरों की तरह दारू पीते नजर आए थे। धीरे से अपना मास्क उठाते हैं, घपा घप विस्की का शॉट लगाते हैं और वापस मास्क पहन लेते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब चूंकि अजय देवगन की बेटी नायशा देवगन के अटपटे ड्रेसिंग के दर्शन आप सभी को हो ही गए हैं, तो अब जरा अनन्या पांडे की छोटी बहन अलाना पांडे के कर्मकांड भी देख लीजिए कि कैसे ये बिना चड्डी पहने खुद अपने ही भाई की बर्थडे पार्टी पे पहुंच जाती है, जिसके बाद इनकी भी बहुत बढ़िया से ऑनलाइन फजीहत हो जाती है। इनका यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो जाता है, जिसे देख हमारे आपके जैसे लोगों का सिर चकरा जाता है। अब इन छोटे भांडों को भी क्या ही बोला जाए, असल फसाद की जड़ तो ये बड़े बड़े भांड हैं, जो न्यूज और फेम में बने रहने के लिए जानबूझकर इस तरह के कटे फटे छोटे गंदे कपड़े पहनते हैं और समाज में गंद फैलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अब इन सभी को सुधारना और इनका दिमाग सेंटर में लेकर आना, इसकी जिम्मेदारी भी तो आपकी है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप सभी लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो जुड़िए ना भाई साहब, जुड़ करके हमारी आवाज और हमारी इस मुहिम को और बुलंद करिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक दिलचस्प अपडेट के साथ।